अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड में माने तो मैम इट्स लाइक दिस, अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड में माने तो मैम इट्स लाइक दिस, अगर हम मैम कार्बोनेट को माने तो ड्यू टू रेजोनेंस ऑल द बॉन्ड्स हैव गॉट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं? इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं 2, इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं 3, इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं 1.5। नो, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम डायरेक्टली होगा। साइज बड़ा होगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। इफ साइज इज मोर, एटम्स आर फादर अबाउट, बॉन्ड लेंथ विल बी मोर। इसमें हमने फैक्टर लगाया कार्बन डाइऑक्साइड में डबल बॉन्ड है, कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बोनेट के बीच में रेजोनेंस के कारण सभी बॉन्ड लेंथ में 1.5 कैरेक्टर है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, मैम ओ डबल बॉन्ड होता है, मैम H2O2 हैज गॉट ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड होता है, मैम ओजोन के बीच में रेजोनेंस के कारण सभी बॉन्ड लेंथ सेम होती हैं, दैट इज इट हैज गॉट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू 2, इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू 1, इसके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू 1.5। सो डबल बॉन्ड सबसे छोटा, सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा और 1.5 बॉन्ड इन बिटवीन। बोला करो कुछ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स बॉन्ड लेंथ अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम आर नॉट इक्वल। मैम जब भी कभी sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच कंटेन्स शॉर्टेस्ट बॉन्ड डिस्टेंस, ऑब्वियसली नाइट्रोजन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। NO पॉजिटिव, H इज इक्वल टू 1/2, 5 प्लस माइनस 1, H2, sp हाइब्रिडाइजेशन, H2.5, H3, इफ H इज 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, परसेंटेज S करेक्टर 50%, परसेंटेज S करेक्टर 33%, इसमें इन बिटवीन। The concept which is applied is that percentage S character is directly proportional, inversely proportional to bond length. So NO plus की bond length सबसे छोटी है, फिर NO की और फिर NO minus की। दो exceptions अभी बता सकती हूँ, बता देती हूँ। ये हो गया सबको, पता लग गया? बोलो। Yes. Bond length is inversely proportional to bond energy. जो factor bond length को बढ़ाता है वो bond energy को कम करता है। Last left वाले factor सारे समझ आ गए? जो पहले bond length के करो। Triple bond is shorter, then is double bond, then is single bond. Because in triple bond atoms have to be brought closer. This leads to shortening of distance. अब सुनो, मैं exceptions दो तीन कराने लगी हूँ। सबसे पहले मैं एक्सेप्शन करवाने लगी हूं आप सब लोगों को ऑक्सीजन फैमिली के। आप सब कहोगे मैम एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, तो सबको पता है ना। तो आपके हिसाब से सल्फर सल्फर की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू ऑक्सीजन ऑक्सीजन। दिस इज एन एक्सेप्शन, ऑक्सीजन हैज गॉट मोर बॉन्ड लेंथ देन सल्फर। लिख लो, ऑक्सीजन हैज गॉट मोर बॉन्ड लेंथ देन सल्फर। इसी रीजन के कारण, ड्यू टू दिस, इसका कंसिक्वेंस कैसे पाया जाता है? जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उसकी बॉन्ड एनर्जी कम है। ओ बॉन्ड ओ को तोड़ने की बॉन्ड एनर्जी है 138, एस बॉन्ड एस को तोड़ने की बॉन्ड एनर्जी है 205। एक्सेप्शन को अंडरस्टैंड करो, ओ बॉन्ड ओ को तोड़ने की बॉन्ड एनर्जी है 138। क्यों? आपके हिसाब से तो उससे टेपो में ऑक्सीजन का साइज सबसे छोटा होना चाहिए था। ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ
सबसे छोटी होनी चाहिए थी, लेकिन सल्फर सल्फर बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन. उसका रीजन भी है कि जब भी ऑक्सीजन में ऐसा डबल बॉन्ड बनता है तो ये दो लोन पेयर्स होते हैं. इतना छोटे डिस्टेंस में, इतने छोटे एटम्स में लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाती हैं. अब पहली चीज थी ये. दूसरी चीज और समझाने लगी हूं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन. अब सबके ऊपर तीन तीन लोन पेयर है. एवरीथिंग हैज गॉट थ्री थ्री लोन पेयर्स ऑन इट. अब एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपको सबको ये लगता है कि मैडम फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होनी चाहिए, पर इसमें इतनी ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती हैं, लॉट ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. इस रीजन के कारण क्या होता है कि क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ इज लेस देन ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ इज लेस देन फ्लोरीन और आयोडीन के अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाती है. ये ट्वेल्थ क्लास में आता है क्वेश्चन. ये एक्सेप्शंस हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए करा रही हूं, स्कूल में नहीं आएंगी कभी भी. आप देख लेना बॉन्ड एनर्जी, ये तो बॉन्ड लेंथ बताई है ना मैंने, दिस इज बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड एनर्जी का पैटर्न बिल्कुल रिवर्स होगा. बॉन्ड एनर्जी विल बी क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन फ्लोरीन विच इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज आयोडीन. अब मैम क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कितनी थी? 243. ब्रोमीन की कितनी थी? 192. इसकी कितनी थी? 158, विच इज अप्रोक्सीमेटली सेम एज 151. दीज एक्सेप्शन जो बच्चे, ये सब कुछ ट्वेल्थ में है, मेरे को वहां से याद है. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया सबको? ओके चलो अब चले आगे. इसी में बॉन्ड एनर्जी में आप एक और, बस कोई नहीं छोड़ दो. हाँ कुछ ऑर्डर लिखो बॉन्ड एनर्जी के. सी डबल बॉन्ड ओ की वैल्यू है 1070. ट्रिपल बॉन्ड ओ. सी ट्रिपल बॉन्ड एन की वैल्यू है 891 और सी ट्रिपल बॉन्ड सी की वैल्यू है 837. इज दिस क्लियर? लर्न दिस वैल्यू फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप. सब्जेक्टिव में बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन नहीं आएगा, बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको बॉन्ड लेंथ अरेंज करनी आती है तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी. आगे सुनो. एम आई क्लियर? श्योर? ओके चलो. यस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गॉट लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी? ऑब्वियसली कार्बन. कार्बन हैज गॉट लोएस्ट बॉन्ड एनर्जी. Yes, ये पता है सबको कि डाउन द ग्रुप जाते हुए साइज बढ़ रहा है, साइज इंक्रीजेस, एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस. सो डाउन द ग्रुप जाते हुए बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस. इट मींस इट विल बी लेस देन 242. इसमें एक्सेप्शन नहीं है. कार्बन फैमिली में एक्सेप्शन इज नॉट देयर. एक्सेप्शन इज इन नाइट्रोजन फैमिली और एक्सेप्शन इज इन ऑक्सीजन फैमिली. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? श्योर? ओके चले आगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अभी मैंने आपको करवाया कि फ्लोरीन और आयोडीन की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली सेम. डी भी ठीक है, बी भी ठीक है. क्लोरीन इज मोर देन आयोडीन. Is that clear? Bond energy of chlorine greater than bromine greater than iodine, which is approximately equal to fluorine.